सो हे गाइस, इट्स मी ट्रिगन एंड वेलकम बैक टू लेट्स प्ले माइनक्राफ्ट सर्वाइवल गाइड एपिसोड 2। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रात हो रही है एंड ज़ॉम्बीज हमें कैसे देख रहे हैं बाहर से। एंड हमने पिछले एपिसोड में काफ़ी सारी चीज़ें की थी एंड मैं थोड़े से कॉल लेके आया नीचे से, मेरे थोड़े कॉल रह गए थे पिछले एपिसोड में एंड वो लेके आते हैं। ओके, एंड मैंने आज बहुत सारी चीज़ें प्लान की हैं जो मैं आपको बताऊंगा, वो भी धीरे धीरे बताएंगे क्योंकि वो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा मैं आज आपको। यस, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आई थिंक तो कोई बताता नहीं है वैसे, ये वाली सर्वाइवल गाइड में बिल्कुल नहीं बताता कोई। मैंने जहाँ तक सर्वाइवल गाइड्स के एपिसोड वगैरह देखे हैं लोगों के, किसी ने ऐसी चीज़ें बताई नहीं है बेसिकली, एंड ना ही किसी ने नॉर्मल लेट्स प्ले ने बताई है। सो मैं बताने वाला हूँ आपको। पहले मैं थोड़े से कॉल इकट्ठा कर लूँ, मेरे पास कॉल वैसे हैं पर ले लेते हैं थोड़े से कॉल। एंड हमारी एक्सपी लेवल भी आप देख सकते हो 4 पे आ चुकी है। वाह, ये तो मतलब एक्सपी लेवल 10 नहीं 20 तक तो काफ़ी इजीली बढ़ती है, पर उसके बाद से फिर थोड़ी सी ये स्लो हो जाती है। देन फिर उसके बाद 60 तक भी थोड़ी स्लो रहती है एंड फिर उसके बाद से और स्लो हो जाती है, फिर धीरे धीरे करके बंद ही हो जाती है भाई, काफ़ी कम मिलती है फिर एक्सपी। ठीक है, तो आई थिंक तो डे हो जाना चाहिए यार, क्योंकि मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था डे होने की, पर डे हो नहीं रही थी। ओके, तो डे का देख लेते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ। एंड हमें जो है आयरन की एक्स भी चाहिए क्योंकि हमें बहुत सारे पेड़ को चॉप्स करना है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास है काफ़ी सारे एक्स एंड कोल को यहीं पे स्टोर करके रखते हैं एंड अपने लिए स्टिक्स निकाल लेते हैं एंड अपने लिए एक आयरन की एक्स बना लेते हैं, जो काफ़ी ज़रूरी चीज़ है क्योंकि हमें अपने स्टार्टर हाउस के लिए जो है थोड़े से वुड वगैरह चाहिए, जिसके लिए हमको थोड़ी बहुत एक्सप्लोरेशन करनी पड़ेगी। एंड ये तो ये ग्रेवल है एंड ग्रेवल को जो है हमें चाहिए, ग्रेवल देख सकते हो एक ही ग्रेवल का पीस चाहिए, हमें ज़्यादा पीस नहीं चाहिए, आपको एक ग्रेवल का पीस रखना है। एंड आपको पिकैक्स या एक्स से जो है इसको बार बार माइन करते रहना है जब तक आपको फ्लिंट एंड ना मिल जाए। ठीक है, फ्लिंट अगर आपको मिल जाता है तो अच्छी चीज़ है, पर अगर नहीं मिलता है तब तक इसको जो है आप माइन करते रहिए अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड प्लीज़ मिल जाए यार, काफ़ी टाइम लगाता है अगर आपके पास फॉर्चून की शवल नहीं है तब तक। ओके ओके, फाइनली आई गॉट इट गाइज, फाइनली आई गॉट इट। एंड हमारे पास अभी एक आयरन का इनगोट चाहिए हमें एंड अपने क्राफ्टिंग टेबल में हम इसको ऐसे रखेंगे एंड हमारे पास एक फ्लिंट एंड स्टील बन जाएगा। ठीक है, एंड अब हमें चाहिए एक दो आयरन के और इनगट एंड एक चीज़ बनानी है हमें जिसे कहते हैं स्वॉर्ड। यस गाइज, अब आपको स्वॉर्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है क्योंकि आपको जो है मैं ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके अंदर आपको फूड को कुक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुक्ड फूड बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको जो है बस स्वॉर्ड चलानी है एंड आपके पास कुक्ड फूड आ जाएगा। यस, आप फायर एक्सपेक्ट से ये सेम चीज़ कर सकते हो, पर हमारे पास अभी स्टार्टिंग के डेज़ में फायर एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं है, ना ही मेरे को अभी सिर्फ एक दिन हुआ है खेलते हुए एंड कहाँ फायर एक्सपेक्ट आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो एक ट्रिक बताता हूँ आपके, ये जो फ्यूल देख रहे हो ये सारे के सारे बच भी जाएंगे एंड अभी तो बहुत सारे लोग हैं यार बाहर, मैं बाहर बिल्कुल नहीं जा सकता, तो थोड़ा सा वेट करते हैं एंड फिर उसके बाद जाएंगे। एंड ये ज़ॉम्बीज आई थिंक सो दरवाज़ा तोड़ सकते हैं, मुझे ब्लॉक चाहिए। ये देखो गाइस, ज़ॉम्बीज दरवाज़ा तोड़ सकते हैं, बस हमें दरवाज़ा खोल देना है। अगर आपको दरवाज़ा तोड़ना नहीं है तो आपको बस दरवाज़ा खोल देना है एंड इसको मार देना है। ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक प्लेस कर दिया करो क्योंकि हम हार्ड में खेल रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो, हम हार्ड में खेल रहे हैं, अगर मैं नॉर्मल में खेलता तो ये ज़ॉम्बी दरवाज़ा बिल्कुल नहीं तोड़ पाते, पर अगर मैं हार्ड में खेल रहा हूँ तो ये दरवाज़ा तोड़ सकते हैं, तो बस बच के रहना है। ठीक है, ऐसे एक ब्लॉक प्लेस कर दिया करो एंड अपने दरवाजे को खोल दिया करो जिससे दरवाज़ा टूटता नहीं है एंड आप बच सकते हो। ठीक है, इजीली है ये चीज़ें। ओके, तो अभी मेरे को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा डे होने का क्योंकि अभी तक हमारे पास बेड भी नहीं है, तो आज के एपिसोड में हम बेड भी गेन करने की ट्राई करेंगे, पर अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। फाइनली डे तो हो गया, मतलब अभी जैसे कह सकते हो कि सुबह के 5 या 6 बजे हैं अभी, क्योंकि प्रॉपर डे नहीं हुआ नहीं है अभी, सनराइज होगा तो। पर अभी हम फ्री हैं, हम कुछ कर सकते हैं, लाइक अभी हम पे अटैक्स तो हो जाएंगे ऐसे, ये देखो स्पाइडर्स वगैरह हम पे अटैक करना शुरू कर देंगे। नहीं नहीं करते, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, एंड अभी जैसा मैंने कहा था कुक्ड फूड के साथ हमें वूल भी चाहिए, तो गाइस वूल आप दो चीज़ों से ऑब्टेन कर सकते हो। पहले तो ऐसे शीप को सीधा मार सकते हो एंड जैसे मैं अभी मार देता हूँ, देखो ऐसे शीप को सीधा मार के आपको सिर्फ एक ही वूल मिलती है, पर अगर मैं जाता हूँ अपने घर के अंदर और अगर मैं शेयर्स बना लेता हूँ, जो शेयर्स बनाना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बस आपको दो आयरन के इनगट चाहिए रहते हैं एंड उनको बस ऐसे ऊपर नीचे रखोगे तो आपको शेयर्स मिल जाते हैं। एंड बारिश भी हो गई गाइस, देखो हमारे पहले वर्ल्ड के अंदर बारिश भी हो गई,
तो आपको जब शेयर से जब आप शेयर करते हो, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है शेयर्स कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो हमको कितनी वूल मिली, हमको एक साथ 3 वूल मिल चुकी है। तो देखो मारने पे 1 एंड, सीधा काटने पे 3 एंड। इससे होता क्या है, अगर ये जो शीप है अगर ये ग्रास को खा लेगी तो इसके वूल जो है वापस से उग जाएंगे एंड हम वापस से शेयर कर सकते हैं इसके वूल को। तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है। एंड अब जो मैंने बताया था कुक्ड फूड लेने का, वो भी काफ़ी ईजी तरीका है, पर अभी बारिश हो रही है तो आई थिंक सो वो ट्रिक वर्क नहीं करेगी, क्योंकि ये जो पिग्स हैं वो बच जाएंगे। ठीक है, तो हम बारिश का वेट करते हैं एंड तब तक हम कुछ और चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि हमको फार्मिंग करनी है एंड अपने लिए एनिमल फार्म भी बनाना है, जैसे छोटा सा एनिमल फार्म। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमको चाहिए रहता है वुड एंड स्टोन ले लेते हैं। ठीक है, स्टोन काफ़ी सही रहेगा इस बार के लिए। एंड वुड से हमको थोड़े से स्टिक्स बनाने हैं, नथिंग एल्स। एंड हमें इनको ऐसे रख के एक हो बना लेनी है अपने लिए। एंड अब हमें जो है थोड़ी सी फार्मिंग करनी है, क्योंकि फार्मिंग से जो है हम वीट वगैरह कर मतलब ले सकते हैं। एंड यहाँ से अगर हम इसको तोड़ेंगे जो ग्रास है, हमको इससे सीड मिल जाती है इजीली। तो ओके, देखो यहाँ पे हमको सीड भी मिल चुकी है, तो हम और ग्रास तोड़ लेते हैं, हमको शायद और सीड्स मिल जाएं। एंड आप ऐसे सीड्स गेन कर सकते हो, नहीं तो आप जो है वीट्स को बार बार ग्रो करके हार्वेस्ट करके भी सीड ले सकते हो। ठीक है, और सीड चाहिए नहीं, अब हमको एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी होगा, जहाँ पे हम फार्मिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप बकेट बना सकते हो, क्योंकि बकेट से जो है आप पानी को शिफ्ट कर सकते हो कहीं पर भी। एंड अभी हम ढूंढ लेते हैं थोड़े से पानी वाली जगह। आई थिंक तो मेरे रिस्पॉन पॉइंट पे पानी था थोड़ा सा पीछे। ओके, यहाँ पे पीछे आई थिंक सो मेरा रिस्पॉन पॉइंट था, सॉरी वर्ल्ड रिस्पॉन पॉइंट था। मेरा रिस्पॉन पॉइंट तो अभी बना नहीं है, वर्ल्ड का रिस्पॉन पॉइंट यहाँ पे है। ओके, एंड यहाँ पे पानी भी है, नाइस वन। यहाँ पे पानी भी है जैसा मेरे को लगा ही था। तो हम जो है यहाँ ओके, यहाँ पे शुगर केन भी है गाइस। शुगर केन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर इसके यूजेस मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी नहीं बताएंगे इसके यूजेस। एंड अब हम वीट को प्लांट कर सकते हैं यहाँ पर, बस ऐसे हमको हो कर देनी है एंड ये थोड़ी देर बाद जो है बन जाएगा। लेकिन अभी मैं बस इसके ऊपर जंप किया, कभी भी आप फार्म लैंड के ऊपर जंप मत कीजिए, नहीं तो ये डर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं दिखाऊँ फिर से, ये देखो। ओके, तो कभी भी ऐसा मत करना, आपको बस ऐसे ऐसे बस प्लांट कर देना। ठीक है, एंड हमें चाहिए सीड्स, एंड सीड्स को भी प्लांट कर देते हैं। तो गाइस मैंने बहुत सारी सीड्स इकट्ठा किया एंड वीडियो में थोड़ा सा कट लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी आवाज़ें आने लगी थी एकदम से। तो अब जो है हम यहाँ फार्म लैंड कर सकते हैं थोड़ी सी अपनी जगह को, एंड हम सीड्स को प्लांट कर सकते हैं इसके लिए। एंड अभी भी बारिश रुक नहीं रही है, मुझे बारिश नहीं चाहिए फिलहाल के लिए, पर रुक नहीं रही है यार ये बारिश, ज़िद्दी बारिश। ओके, सो यहाँ पे हम सीड्स को प्लांट कर देते हैं। मैंने काफ़ी सारे सीड्स भी इकट्ठा कर लिए थे बीच में ही, एंड ये सारी चीज़ें भी हो गई। तो अब हम चलते हैं वापस से, एंड आप जो है बोन मिल से भी इनको ग्रो कर सकते हैं। पहले मैं थोड़ी सी बोन मिल लेके आता हूँ, उससे भी बता दूँ कैसे आप इसको ग्रो कर सकते हो बोन मिल से। ठीक है, एंड बोन मिल बनाने के लिए बस आपको एक बोन चाहिए रहती है, जो मेरे पास पड़ी है। एंड बस बोन को आपको अपने इधर रख देना है इन्वेंट्री में, एंड यहाँ से आप एक बोन 3 बोन मिल्स कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमको वापस से अपने फार्म के पास जाना है, एंड मेरा फार्म काफ़ी दूर है, एंड बाद में हम अपने फार्म को शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें बार बार उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाद में हमें शायद फार्म की ज़रूरत भी ना पड़े। यस गाइस, हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं वैसे भी इस वर्ल्ड के अंदर। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम वापस से। ओके, एंड बोन मील एज आप क्या कह सकते हो, केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे होता नहीं केमिकल्स में लोग जो है यूज़ करके अपने फार्म्स को जल्दी बड़ा कर लेते हैं अपने क्रॉप्स को। तो यहाँ पे बस मुझे इसको मारना है ऐसे, 1 2 एंड ये 3। ओके, तो हमारी क्रॉप देखो फुली ग्रो हो गई है 3 बोन मील के अंदर, एंड हम इसको जो है तोड़ लेंगे एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्रॉप एंड सीड्स आ गई हमारे पास। एक कभी कभी 2 सीड्स आती हैं एंड कभी कभी 1 आती है, क्योंकि पता नहीं ये रैंडम है, कुछ भी आ सकते हैं सीड्स में। एंड अगर आप फॉर्च्यून से तोड़ोगे तो 4 या 5 सीड्स भी आ सकती हैं, पर हमारे पास अभी 1 वीट आ चुकी है। एंड 1 वीट वैसे कुछ काम की है नहीं, हमको 3 वीट चाहिए रहती है एक ब्रेड बनाने के लिए, और 9 वीट चाहिए रहती है हमको हेबेल बनाने के लिए। सो हमको अभी 1 वीट तो मिल गई है, एंड अब हम जो है अपना एनिमल फार्मिंग भी शुरू कर सकते हैं इजीली, क्योंकि वीट से जो है एनिमल जो है हमारा फॉलो करते हैं हमको एनिमल्स। ठीक है, अगर मैं जाऊँ इसके पास एंड जैसे ही ये देख लेगा कि हमारे हाथ में वीट है, एंड ये खुद ब खुद भागता भागता हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम एनिमल्स को अपने पीछे लगा सकते हैं, एंड वो सिर्फ काउज एंड शीप पे वर्क करता है, सिर्फ काउ एंड शीप पे ये वीट वर्क करता है। एंड हमको पिक्स के लिए चाहिए रहता है कैरेट, एंड चिकन्स के लिए हमको सीड चाहिए रहता है। ठीक है, हर एक चीज़ के लिए अपना अपना चीज़ है। एंड अभी हम एक बेड बनाने वाले हैं अपने लिए, क्योंकि हमको यहाँ नाइट को भी स्किप करना है, तो हमने एक बेड बना लिया। एंड आप बेड को डाई भी कर सकते हो, अगर मैं डाई करके दिखाऊँ यहाँ पे कोई एक ब्लू मिलेगा क्या मुझे? ओके, हाँ ब्लू है वहाँ पे, तो मैं वहाँ से ब्लू रंग का जो ये फ्लावर ले लेता हूँ एंड इससे इसको डाई करके दिखाता हूँ आपको
हम डाई कर सकते हैं इसको। ओके तो इसको तोड़ लेंगे हम एंड इसको जो है अपने इन्वेंटरी में रखेंगे एंड इसका एक ब्लू डाई बना लेंगे एंड ब्लू डाई को एंड बेड को एक साथ रख देंगे। तो आप देख सकते हो आप इसको डाई भी कर सकते हो, आप कोई भी फ्लावर से इसको डाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे येलो फ्लावर्स देख रहे हो आप, उनको भी जो है ऐसी सेम प्रोसेस करके जो है कर सकते हो। ठीक है, एंड अभी जो है मैं इसको अपने घर के अंदर लेके आता हूँ एंड एकदम सामने रख देता हूँ एंड एक बार इस पर सो जा रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्पॉन पॉइंट सेट एंड यू कैन ओनली स्लीप एट नाइट, मतलब अभी दिन ही हो रहा है एंड बस बारिश हो रही है बाहर। ओके, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है, तो अभी हमको वुड्स लेने हैं, सारे सारे जितने वुड हैं हमको सारे के फेंस बना लेने हैं। ओबियसली हमको थोड़े से वुड और इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो ओके गाइज, आई हैव अटैक्ड बाय जोम्बीज एंड मुझे जान दो भाई, यहाँ पे बहुत सारे। ओके बेबी जोम्बीज, नहीं 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 बेबी जोम्बी से हमेशा बच के रहो भाई, जल्दी चलो जल्दी चलो। एंड मेरी हंगर बार काफ़ी डाउन है तो मैं अच्छे से भाग नहीं पा रहा हूँ, स्प्रिंट नहीं कर पा रहा हूँ मैं। प्लीज़ जल्दी 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 बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो एंड इसको ढक दो एंड इसको ढक दो। होली शिट होली शिट गाइस, एंड मेरा डोर टूट जाएगा अभी मुझे जैसा पता है, पर अभी हमने ब्लॉक कर दिया है तो हम बचे हैं। एंड मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मॉन्स्टर नियर बाय। ठीक है, हमारा डोर टूट चुका है। ओके डोर टूट चुका है मेरा, ये तो मुझे पता लग गया, मॉन्स्टर नियर बाय, तो मैं सो नहीं पा रहा हूँ। होली शिट, अगर मैं इसको खोलता हूँ तो बेबी ज़ॉम्बी अंदर घुस सकता है, पर तो भी मैं तोड़ने वाला हूँ एंड बेबी ज़ॉम्बी को मारेंगे हम। कहाँ गया बेबी ज़ॉम्बी? ओके ये तो आ गया, एक ज़ॉम्बी आ गया एंड इसने मेरा लॉग उठा लिया। छोड़ दे उसको छोड़। ओके ये गया। ओके एक और ज़ॉम्बी आ गया। ओके बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं गाइस यहाँ पे, तो ओके बेबी को मारो बस, क्योंकि बेबी आपके वन ब्लॉक से आ सकते हैं एंड बेबी भी मर गया। ठीक है, तो हम इसको भी तोड़ सकते हैं। ओके शिट, ओ भाई काफ़ी। ओके तो अब कोई आ सकता है प्लीज़? ओके नहीं आ रहा कोई, एंड मैं सो दूँ एक बारी। ओके तो गाइस फाइनली अब मैं सो सकता हूँ। हो भाई ये तो मैं गलत सीन कर रहा था, मैं बहुत गलत सीन कर रहा था। ठीक है ठीक है, पर हमारे पास डोर्स हैं तो मैं डोर पड़े हैं मेरे पास एक्स्ट्रा, तो मैं वो लगा देता हूँ। ये देखो, ओके तो डोर आप वापस से लगा दो क्योंकि डोर ज़रूरी है। एंड अब हम फेंस बना सकते हैं, तो फेंस के लिए बस आपको जो है स्टिक्स बनानी है पहले, मतलब पहले सारे लॉग्स को जो है आपको प्लैंक्स में कन्वर्ट करना है एंड बर्ड से जो है मैं स्टिक्स बनाऊँगा। एंड यहाँ पे आप फेंस की रेसिपी देख सकते हो, ऐसे आप मैं 20 फेंस या ओके बहुत सारे फेंस बना लिए एंड एक फेंस गेट चाहिए हमको। ओके तो एक फेंस गेट भी आ गया, नाइस वन। ठीक है, एंड बारिश रुक गई भाई, फाइनली बारिश रुक गई। ये क्या कर रहा है, निकल यहाँ से। ओके ठीक है, तो अब हम जो है अपने लिए एक एनिमल फार्म बना सकते हैं, जो आई थिंक सो कहाँ बनाऊँ मैं, यहाँ पे जगह बहुत कम है तो मैं यहीं पे बना लेता हूँ फिलहाल के लिए। तो आई थिंक सो इतना बड़ा फार्म ठीक रहेगा। ओके यस गाइस, इतना बड़ा फार्म सही रहेगा। एंड हमें एक डोर चाहिए, डोर इधर नहीं रखेंगे हम, डोर फ्रंट में रखेंगे अपने, जैसे कि इधर रखते हैं डोर। यप इधर एक डोर, ओके ज़्यादा गलत डोर लगा दिया मैंने। ओके तो इधर डोर भी आ गया एंड अब हम जो है अपने एनिमल्स को जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ वीट दिखा के, एंड हमें बस अंदर जाना है। एंड ये भी हमारे पीछे पीछे आ गया, बस हमें वीट हटा लेना है एंड यहाँ से बाहर चले जाना है एंड डोर को बंद कर देना है एंड वी कैच अ शीप। एंड अब हम इसकी वूल काट सकते हैं इजली, काम रिशियर धीरे। ये इसकी वूल काट के जो है वूल हमारे पास आ गई, एंड हमारे पास तीन और वूल आ चुकी है। एंड अब हम काउस को भी कैच कर सकते हैं, काउ। ओके एक और शीप है इधर, तो एक और शीप को पकड़ लेते हैं। हेलो शीप सर, पीछे आ जाइए, पीछे 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ऐसे आप बहुत सारे एनिमल्स को पकड़ सकते हो, मतलब बहुत सारे शीप्स को पकड़ सकते हो एंड इनके बीच में ब्रीड भी करा सकते हो, जो हम बाद में कराएंगे क्योंकि अभी हमारे पास इनफ वूल नहीं है। तो इसको खोलो एंड आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे के सारे आ जाओ। ओके दो दो आ गए, वाह ये मुझे पता नहीं था, ये दो दो आ गए। एंड इसे बंद कर दो। ओके बंद करके एंड अब यहाँ से बाहर चले जाओ। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि कुक्ड फूड कैसे लेना है, क्योंकि वो चीज़ें बारिश ने ठप कर दी थी। तो अभी हमको पिग्स को ढूंढ लेते हैं या काउस को ढूंढ लेते हैं, किसी को भी ढूंढ सकते हो आप, पर मैं पिग्स पे ट्राई करूंगा क्योंकि पिग्स जो है मैं पॉक्शॉप देते हैं, जो काफ़ी अच्छी फूड सोर्स के हिसाब से माना जाता है हमें। ओके कहाँ गए पिग्स, कोई मुझे मिल क्यों नहीं रहा, मैं शीप पे ट्राई नहीं करना चाहता, शीप नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे शीप नहीं करनी। ठीक है, मेरे पिग्स कहाँ गए, पिग्स पिग्स पिग्स। ओके गाइस फाइनली एक पिग मिल गया, भाई क्या कर रहे हो यार, ये पिग्स मिलते नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिला अभी मुझे एक।
तो हमें क्या करना है, बस इसके पास आके जो है फ्लिंट एंड स्टील का यूज़ करना है, एंड इसको मारना है, एकदम से मारना है जैसे इसको आग लगी है। ओके, तो जैसे ही इसको आग लगी और मैंने इसको मार दिया, तो इसने क्या ड्रॉप किया, कुक्ड पॉक शॉप। ओ यस गाइस, अब मैं इसे खा सकता हूँ, तो मैं इसे खा लेता हूँ एक कुक्ड पॉक शॉप को। एंड और को मुझे चाहिए और ढूंढने, मुझे एक आधे से काम नहीं बनेगा मेरा, तो ओके एक और को ढूंढते हैं, यहाँ आसपास होना चाहिए भाई, प्लीज मिल जाओ। ओके, एक और मिल गया, एक और मिल गया, एक और मिल गया। यस यस यस, बस हमें इसके इस ब्लॉक को पे ध्यान से इस ब्लॉक पे आग लगा दो, एंड ध्यान से खुद को आग मत लगा लेना, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। एंड इसको मार दो, एंड इसने अगेन दो ड्रॉप किए, इसने दो कुक्ड पॉक शॉप ड्रॉप किए, तो मैं खा लेता हूँ एक को। एंड हमारा ये फूड बार फुल हो गया, एंड इसको बंद कर दो फायर को। एंड काउस भी हैं यहाँ पे, सो ओके ध्यान से, एंड काउस को भी मारते हैं। चलो आओ, या काउस को मारना भी इजी है, बस यहाँ पे आग लगा दो, एंड दो हिट में काउस भी गए। एंड हमें क्या मिला इससे, कुक्ड बीफ मिला होगा ना। यस गाइस, कुक्ड बीफ मिल चुका है हमें। ओके, तो देखो यहाँ पे फ्यूल का बचत हो रहा है, टाइम बचत हो रहा है, एंड बहुत सारी चीज़ें भी हो रही हैं। ओके, सो ये भी मर गया, एंड हमारे पास फाइव कुक्ड पॉक शॉप आ गया। एंड ये फायर को बंद कर दिया करो हमेशा, अब बंद हो जा। ओके, तो फायर बंद हो गई, एंड हमें जो है ये एक और काऊ है, तो इस काऊ को भी मार देते हैं, एंड आई थिंक सो ठीक रहेगा ये मेरे लिए। एंड यहाँ पे ये क्या रिवीन है क्या, ये नहीं गाइस, ये जस्ट केव है छोटी सी, एंड मैं अब वहाँ पे नहीं जा सकता, वो काऊ लकी है, वो बच गई, ठीक है कोई बात नहीं, मैं उधर नहीं जा सकता, तो मैं अपने घर चले जाते हैं। ओके, तो गाइस अभी जो है मैं थोड़े से और वूल ले लेता हूँ, वैसे वूल की ज़रूरत नहीं है, पर मैं एक और यूज़ बताता हूँ वूल का आपको, तो काट लो। ओके, मुझे इसके पास रहना है, तो वूल ले लो। ओके, तो गाइस अब आपको जो ये जो वूल मिले हैं, आपको अपने इन्वेंटरी में ऐसे रख के कारपेट बना लेना है, एंड इस कारपेट को जस्ट आपके डोर के बगल वाले फेंस गेट पे लगा देना है। तो ये हट नहीं रहे, ओके इधर लगा देते हैं। तो इससे होगा क्या, जैसे हम डोर खोलते हैं तो ये बाहर निकल सकते हैं, पर अगर हम कारपेट से ऊपर चढ़ जाएं एंड वापस से कारपेट से बाहर आ जाए, तो ये लोग उस कारपेट पे नहीं चढ़ सकते, ठीक है, ये जस्ट गेम के रूल के हिसाब से नहीं है कि कारपेट पे ये लोग नहीं चढ़ सकते, ठीक है, हम चढ़ सकते हैं, ये लोग नहीं चढ़ सकते। तो इससे जो आपका फार्म ईजी हो जाता है, आपको डोर खोलने की ज़रूरत नहीं है, एंड बाई चांस अगर ये भाग जाएँ तो उसकी कोई टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है, इस चीज़ से, तो आप ये चीज़ भी कर सकते हो। ओके, सो गाइस प्रीटी मच बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आज हमने बहुत सारी चीज़ें आज भी की, मैंने आपको कुक्ड फूड बनाना सिखाया, एंड अपने एंड हमने एनिमल फार्म बनाया, एंड फार्मिंग भी शुरू कर दी हमने, आज तीन तीन चीज़ें की। एंड आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, एंड मुझे प्लीज़ बताओ कि आपको और क्या क्या चीज़ें सबसे पहले देख लेनी है, क्योंकि मैं अपने लिस्ट के हिसाब से चल रहा हूँ, पर अगर आपको चीज़ें कुछ ज़्यादा जल्दी देखनी है, वो वाली चीज़ें कैसे कर सकते हो आप, तो मुझे जल्दी से कमेंट कर दो, एंड एक बार ज़रूर से बता देना। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।